चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में सीवरेज की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल सीवर की सफाई के दौरान तीन मजदूर सीवर में फंस गए और काफी जद्दोजहद के बाद मजदूरों को सीवर से बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन तीनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो सीवर की सफाई के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। सीवर में फंसे तीनों मजदूरों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि इस हादसे के बाद तीनों मजदूरों को वहां से निकाल तो लिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान इन तीनों मजदूरों ने दम तोड़ दिया। अभी तक क्या स्टेटस है उन तीनों का? नहीं जी, अभी तक जो पता चला कि अभी तो उसको हॉस्पिटल लेके नहीं, वो तो हॉस्पिटल ही बताएगा अभी उनकी क्या स्टेटस है। अभी तक जो पता लगा कि चार लोग थे जी। पहले इनिशियली एक बंदा गया था उसके साथ, उसको निकालने के लिए तीन बंदे और गए थे, उसमें से एक है जो अभी तक यहाँ पे हमें जिससे बात हुई वो भूरेलाल, उसने हमें बताया कि हम चार लोग यहाँ पे थे, हमें सफाई इसकी मैनहोल की सफाई करने के लिए जो सुखराज कॉन्ट्रैक्टर है उसने एम्प्लॉय किया था और उसी करके निकल गया। तो नीचे गैस वगैरह होगी उसकी वजह से सफोकेशन थी, 11 बजे से अंदर गए हुए हैं। तो अब जो भी हालात होंगे वो डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद। जो प्राइमा फसाई जो हमें दिख रहा है उसमें तो लग रहा है कि इनको नहीं प्रोवाइड किए गए, आइडली होने चाहिए। अब जिसकी जो गलती बनती होगी अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन, ठेकेदार के खिलाफ हो सकता है जी। बिल्कुल।